नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज फिर से क्वेश्चन सेशन प्रतिशतता चैप्टर का परसेंटेज हम लेके आए हैं आपके सामने और आज हम देखेंगे उन सारे प्रश्नों को जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को, चाहे जो भी परीक्षा हो, राज्य लेवल की या केंद्रीय लेवल की, जैसे आपका UP SSSC हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हुआ या SSC जैसे एग्जाम हुए, इवन बैंक वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अभी हम UP SSSC के एग्जाम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के सारे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं और अन्य एग्जाम को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बात सभी को पता होगा कि ये सारे जितने कोर्स हैं आपके, चाहे मैथ्स के लेक्चर हैं, रीजनिंग के लेक्चर हैं, इवन हिंदी के आते हैं, ये सब कुछ 10+ कोर्स के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न कोर्सों का संचालित होती है ये प्रोग्राम, जिसमें आपका UP SSSC के एग्जाम जैसे लोअर मेंस लगा हुआ है, लेखपाल लगा हुआ है, PET एग्जाम जो हाइयर प्रेडिक्टेबल है होने का, उससे लेके जिसमें क्योंकि सेक्शन बटा हुआ है कि मैथ्स से भी आएंगे प्रश्न, उसमें हिंदी से भी पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से भी पूछे जाएंगे, सारे विषयों से, रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे, तो सबका लेके एक 10+ कोर्स बनाया गया है जिसमें ये सारे कवर हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा 10+ कोर्स जो है पूरा निःशुल्क कराया जा रहा है, जिसमें आपके सारे वीडियोज फ्री दिए जा रहे हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 3 महीने तक आपको सारे कंटेंट मिलते रहेंगे केवल 499 रुपये तक। हर कोर्स का लगभग 10 कोर्स के कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो UP PCS का कोई कोर्स हो या आपका UP SSSC का कोर्स हो या आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, उन सबके PDF मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे हैं बार बार मैं कहता हूँ ये लाइक कर दिए ताकि हम लोग का भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे और फिर हम इस सेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत पहला है और क्वेश्चन ये कुछ ऐसा टाइप का है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में, अभी रिसेंट जो ट्रेंड देखा गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप किताबों पे जाएं ना, आप लोग जैसे पूछते लगते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ा जाए मैथ्स के लिए या इस एग्जाम के लिए, तो किताबें तो हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होती हैं, लेकिन एक बात हमेशा अपने मैच्योरिटी लेवल पे आप समझिएगा, किताबों में प्रश्न तब आते हैं जब आपका पेपर हो जाता है। कहने का मतलब कि मान के चलिए आपको कल का कोई पेपर है और उसमें कोई नया क्वेश्चन आया, अब सारे किताब वाले उस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और अपने किताब में डालने लगेंगे या कुछ लोग उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन बना लेंगे। तो कहने का मतलब पहले प्रश्न एग्जाम में आता है फिर किताबों में रखे जाते हैं। तो आप अगर किताब लगा लो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी किताब लगाए हुए सारे प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे, हमेशा आप कुछ नए क्वेश्चन के लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए तैयार रहा करिए। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी सेक्शन होता है 30% लगभग 30-40% आसान होता है, 30% लगभग मॉडरेट होता है, 20-25% टफ होता है। तो ये जो 20% टफ वाला होता है कभी कभी इसमें या इवन मॉडरेट वाले में या कभी कभी आसान वाले में भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं जहां पे बच्चों को मुश्किल होता है। तो ऐसे ही ये प्रश्न है जहां जिसे हम देखेंगे कि ऐसे अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप क्या कैसे सॉल्व करोगे। अगर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करो और बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला ही प्रश्न है और जब आप पहले ही प्रश्न का उत्तर देने लगते हो तो ये समझ में आने लगता है कि नहीं यार, आप पहले से मेहनत कर रहे हो, आप सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो और अपने डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप अपने एकाग्रता बढ़ा लिए, निरंतरता बढ़ा लिए, अगर कॉन्टिन्यूटी ले आए आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो मान के चलिए आपका वो पहला प्रश्न या अंतिम प्रश्न हमेशा आप पहले लगा लोगे। तो आते हैं देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों को, कोई खाने वाली सामग्री है, खाद्य सामग्री है, उसके मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को अपना उपभोग कितना कम कर देना चाहिए कि उसका कुल खर्च मात्र 8% बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इस बात को समझिएगा। अभी इससे पहले वाले क्लास में हमने कैसे टाइप के क्वेश्चन देखे थे, हमने देखा था कि कोई कमोडिटी होती है उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है तो हमें उसे फिर से वहीं पे लाने के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ता है। जैसे बोला गया था कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो उपभोग कितना कम कर दिया जाए कि उसके कुल खर्चे पे कोई परिवर्तन ना रहे या अपरिवर्तित रहे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। उसमें हम क्या करते थे, 100 से उस चीज को बढ़ाते थे, फिर उसका उल्टा करते थे और वहां से फिर से हम 100 पे लेके आते थे और फिर वहां से परसेंटेज निकाल लेते थे। जैसे 100 से 25% बढ़ा तो 100 से 125 होता था, 125 से 100 जाएगा, हम 25 बटे 125 गुणे 100 करेंगे, यही तो हमारा उत्तर आएगा। बोलो हाँ।
करते थे कि नहीं करते थे? अगर आप पहला, जो बच्चे इससे पहले की क्लास नहीं किए हों उनसे गुजारिश है कि पहले की क्लास कर लो, क्लासेस आप सारे अटेंड किया करो, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती है और बहुत अच्छा मैं ब्रिज बना के लेके आता हूँ, ताकि अगर आप सारे क्लासेस करते रहोगे तो यकीन मानो पूरा कॉन्सेप्ट आपका खिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप चाहे नए प्रश्न हो, चाहे पुराने प्रश्न हो, चाहे चैलेंजिंग प्रश्न हो, चाहे टफ हो, चाहे आसान हो, सब कुछ बहुत आसानी से लगा लोगे बिना डरे हुए। तो इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसके थीम को समझते हैं, इसकी आत्मा को समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न बनना क्यों, बनना कैसे और लगेगा कैसे। तो बोल रहा है, समझिएगा, कोई खाद्यान्न है, कोई खाद्य सामग्री है, उसका 20% वृद्धि हो गया उसका मूल्य। अभी हम मान ले कि मूल्य पहले 100 रुपया था, तो बढ़ के कितना हो गया है 120 रुपया। भाई 100 का 20% बढ़ेगा तो 100 में 20 बढ़ेगा, और अगर इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ रही तो 100 से कोई चीज आपका बढ़ के हो गया 120। अब क्या कह रहा है कि उसे कितना कम कर दिया जाए कि कुल खर्च पे 8% बढ़े। अगर हम कल के टॉपिक पे इसे रिलेट करें तो आप बोलता था कि कितना कम करें कि कुल अपरिवर्तित रहे, कुल जो मूल्य है या कुल जो खर्चा बढ़ रहा है वो कह रहे अपरिवर्तित रहे, नो चेंज रहे। तो हम फिर से इस 120 को कहां लेके आते थे, 100 पे लेके आते थे। देखिए 100 से शुरू हुए थे, हम फिर से कहां आ गए, 100 पे आ गए। लेकिन वो क्या कह रहे, कह रहे भैया उतना ही कम करो कि जो कुल खर्चा है वो कितना 8% बढ़े। तो 100 से 8 बढ़ेगा तो कितना होगा, 108। यानी इस बार हम 120 से 100 नहीं जाएंगे, 120 से कितना जाएंगे, 108 जाएंगे। और तरीका आपका वही रहेगा, 120 से 8 में अंतर कितने का है, 12 का, बटे हमेशा ये वाली वैल्यू आती है 120 गुणे 100 कर देंगे तो 12 दहमा 120, और ये 10 100 को काटेगा 10 बार, यानी कि कितना आ जाएगा उत्तर, आपका 10% आ जाएगा और आपका ऑप्शन ए ही है 10%। बात समझ में आ गई? तो आसान है ये, अगर एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार नया क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, और फिर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाती है, माथे पे पसीना आ जाता है, मतलब सारी तमाम चीजें हो जाती हैं जिसे आप बोलते हो नर्वसनेस। और जब जब आपको नर्वसनेस होती है तब आप आसान क्वेश्चन तो गलत करते ही हो, जिस क्वेश्चन पे आप कर रहे हो वो तो गलत होता ही नहीं लगता है, साथ साथ में जो और भी आसान प्रश्न होते हैं जो सो कॉल्ड 30-40% वाले कैटेगरी में होते हैं, जिसे करने से और मॉडरेट वाले क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो वाला क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो और बाद में क्या होता है, आप निराशा के साथ घर वापस आते हो। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, ऐसा कब नहीं होगा, जब आपका एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपकी पकड़ हो गई तो ये सब प्रश्न की क्या औकात है भला आपके सामने। जैसे देखते हैं नया प्रश्न, इस प्रश्न को तो मेरे ख्याल से सभी लगा लोगे क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है और अब सभी से उत्तर अपेक्षित है, सभी लोग मुश्किल से 4 से 5-10 सेकंड जो भी ले सकते हो उसमें उत्तर दो ताकि मुझे पता चले यहाँ पे मौजूद जितने भी महारथी हैं, जितने भी धरती पुत्र हैं, उन्हें कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में और कितना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दें कि कुल खर्च पर 5% का खर्च बढ़े। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन वही है कि नहीं है। इस बार क्या है, 25% बढ़ गया है तो चीजें 100 से कहां जाएंगी, तेजी से बताओ, 100 से 125 जाएगा, और अगर 100 से 125 जा रहा है तो फिर हमें कहां लाना पड़ेगा, 125 से, क्योंकि 5% का खर्च बढ़ाना चाह रहा है तो 100 में 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105। यानी 125 से 105 ले जाना चाह रहा है तो कितना चेंज है, 125 से 105 जाने में कुल अंतर है 30, 30 का कि 20 का, कुल अंतर है 20 का, बटे कितना, 125 गुणे 100, नीचे हमेशा क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और ये 5 चौक 20, 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 16% आपका उत्तर आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी क्या है, 16% है और ये आ गया। बात समझ में आ गई? कितना आसान तरीका है, कितना पेचीदा क्वेश्चन ये था, लेकिन हम कितने आसान तरीके से लगा लिए हैं, और यही तो कला है मैथ की, यही तो मैथ की खूबसूरती है जो आपके प्रश्न को इतना हसीन बनाती है और आप में मजा ला देती है दुगना, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे, आपको मजा आता रहे और आपको समझ में आता रहे। सबसे मुद्दे की बात यह है ताकि जब एग्जाम में आपके सामने नया क्वेश्चन आए तो आप खुले दिमाग से वहां पर बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न करने में सक्षम रहो। तो अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या करना है, वहीं तक ले जाना। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, समझिएगा,
कि ये बोले 25% कम हो जाता है, अब बढ़ रहा है, ये कम भी कर सकता है, उसके बाद भी ये खर्चा बढ़ाएगा। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं ताकि हमें समझ में आए। उससे पहले ये प्रश्न देखते हैं क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आ जाने पर एक परिवार उपभोग को X% बढ़ा देता है, जिससे उसके कुल खपत में 5% की वृद्धि हो जाती है, X का मान ज्ञात करें। अभी ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि यार पता नहीं क्या बात है, आप लोगों के साथ कुछ भी नया देख लेते हो तुरंत घबरा जाते हो, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। तो अगर मैथ सीखने आए हो तो सबसे पहली बात क्या सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे। कॉन्सेप्ट की क्लास कहां मिलेगी, मैंने पहले ही परसेंटेज पे टोटल 4 क्लास किए हैं, वो भी 40-40 मिनट के, लगभग सब में करीबन 15-20 क्वेश्चन कवर किए हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अगर आप उन क्लासेस को कवर कर लिए हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सेशन में तो चुटकी में क्वेश्चन लगाओगे। तो सबसे पहले अगर आप ना देखे हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट सेशन आप देख लो, ताकि क्वेश्चन सेशन में दिक्कत ना आए। X आ गया है तो X से घबराने वाली बात नहीं है, ये वही X है जो आपको धोखा देके चला गया था या चली गई थी, बात समझ में आ गया। खैर चलिए, यहाँ पे हम करते हैं कि 25% की कमी आ गई, मैंने क्या बोला कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं जहाँ पे कोई जो नहीं कि बढ़ोतरी हो, कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी टोटल में वृद्धि हो रही है, कैसे होगी। देखो मान लो कोई चीज 100 थी और उसे अगर 25% कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मूल्य पहले 100 था तो 75 हो गया। अब क्या हो रहा है कि एक परिवार उपभोग को बढ़ा देता है X%, कोई बात नहीं बढ़ाने दो, हमें X से क्या मतलब, जो गया सो गया। बोला 5% की वृद्धि हो, तो 5% की वृद्धि हो मतलब टोटल में तो यहां पे कितना आना चाहिए, 105, और ये 105 जाएगा कहां से, जाएगा तो 75 से ही, क्योंकि याद करो हम इसे क्या करते थे, पलटते थे। और पलटते क्यों थे, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब n1 × n2 बराबर कांस्टेंट होता है तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, या दूसरे शब्दों में n1 जिस रेशियो में बढ़ेगा n2 उसी रेशियो में घटेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बस ये जिस रेशियो में बढ़ेगा वो उसी रेशियो में घटेगा। और इसका ये एप्लीकेशन है, हमने रेशियो तो वो लगाया लेकिन हमें ये पे कहां ले जाना है, 105 तक ले जाना है। तो 25 से 105 कोई चीज कितना बढ़ रही है, 30 बढ़ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में, नीचे हमेशा ये वाली वैल्यू, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो 25 × 75, 25 × 100 और 3 × 30, यानी कि 10 × 4 कितना आएगा, 40% आपका उत्तर आ जाएगा। ढूंढ लो ऑप्शन में अपनी पैनी निगाह से, एकदम सांप की तरह जैसे ढूंढता है अपना शिकार, तो ये क्या हो जाएगा, ए आपका 40% उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। जहां भी बैठे हो, जिस भी मुद्रा में बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, उल्टा खड़ा हो, उकड़ू बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, मतलब किसी भी तरह बैठे हो, वहां पे बैठे बैठे खड़े खड़े बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब तक आप बताओगे नहीं समझ में आ गया, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपके जब भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत तो घबरा जाते ही हो, लेकिन घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। बस हमें दिमाग में ये लगाना है कि हमें वापस उतना तक ही जाना है जितना आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है हमें उतना ही तक जाना है। अपनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो बेटा खुद पछताओगे, उतना ही बुद्धि लगाओ जितने की जरूरत है। बोलते हैं ना, किसी की मदद बिना मांगे नहीं करनी चाहिए, ऐसे ज्यादा बुद्धि भी बिना जरूरत के नहीं लगानी चाहिए, उतना ही दिमाग लगाओ ना बोलेंगे कि पगला गया है। खैर चलो, पगलाओ नहीं, आप लोग क्वेश्चन बताओ, और इस क्वेश्चन का जवाब सबसे आना चाहिए। नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन सब का रिलेशन है आपस में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने के पहले एक बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं कि अभी हम पिछले 2 सेशन में सीखे क्या। हमने ये सीखा कि कोई चीज अगर 100 से कुछ बढ़ता है, सपोज करें हम X% बढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस X हो जाएगा। अगर कोई चीज X% बढ़ता है तो वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस X हो जाएगा। और हमें फिर से एक हमारा टाइप था कि कितना कमी कर दिया जाए, कितना घटा दिया जाए कि कोई परिवर्तन ना पड़े, तो 100 प्लस X से हमें फिर से कितना लाना होता था, 100 भी लाना होता था। और अगर तरीका करें तो इन दोनों का अंतर X और नीचे आता था 100 प्लस X और गुणे क्या कर लेते थे, 100। और ऐसे डायरेक्ट प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे हैं कि अगर किसी चीज की प्राइस, किसी चीज का मूल्य X% बढ़ जाए तो उसमें कितना कम कर दिया जाए कि कोई परिवर्तन ना आए, और X के टर्म में ही ऑप्शन दिया होता है और उसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब ये मत सोचो कि अरे ये तो कन्वेंशनल तरीके से लगाएंगे, ये तो इस तरीके से लगा नहीं सकते, सब लगा सकते हो, जरूरत क्या है,
1350 ग्राम जो आपके पास दिमाग है उसमें से 25 ग्राम एक्स्ट्रा लगा लो, बस आप लोग 10 ग्राम भी दिमाग नहीं लगाते हो 1350 ग्राम में, 1340 ग्राम में ऐसे ही पड़ा रहता है, जंग लगता रहता है। लेकिन अगर 25 ग्राम भी दिमाग लगा लो जो आपके पास है 1350 ग्राम में, तो ये क्वेश्चन सारा आपका बहुत आसानी से लग जाए। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, खुली बुद्धि से, खुली कॉपी किताब से, हाथ में पेन, बैठे हुए मुद्रा में जब आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ अपने आप आ जाएगी, और इनमें से कुछ भी नहीं फॉलो करोगे तो मैथ गुस्सा जाएगी, और मैथ गुस्सा जाएगी तो यकीन मानो मैथ कभी नहीं आएगी, पक्की बात बता रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लो। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हमने ये तरीका तो सीखा था पहला, इसकी अगर कोई चीज बढ़ जाती है तो हम कितना लेके आए कि वो कोई परिवर्तन ना हो। हमने ऐसा भी कहा था कोई चीज कम हो जाती है, x परसेंट से कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, साथ साथ बताओ 100 माइनस x हो जाएगा। तो अगर हम फिर से पलटेंगे तो 100 माइनस x से कहां पे लेके जाएंगे, 100 पे लेके जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें उतना कम करना है कि कोई परिवर्तन ही ना हो। तो कोई परिवर्तन ना हो तो हम फिर से यहाँ पे क्या लाएंगे, 100 ही तो लाएंगे। तो अंतर है x का, नीचे क्या आएगा 100 माइनस x, और परसेंट लगाने के लिए 100, बताओ उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। और बहुत सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे जो मैंने इस तरीके से बता दिया है। तो अभी हमने दो क्लासों में ये सीखा, उसके बाद आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, आज हमने ये सीखा कि भैया ठीक है 100 से 20% बढ़ता तो है, 120 पे जाता तो है, लेकिन 120 से हमें फिर से 100 नहीं करना है, हमें 105 ही करना है। मतलब टोटल में 5% की वृद्धि हम झेल लेंगे, होता नहीं कभी कभी, ठीक है हमारा 2000 का नुकसान ना हो, हमारा 200 रुपए का नुकसान हो, हम झेल लेंगे। तो बस यही वो कह रहा है, उतना नुकसान ना हो, 200 का नुकसान हो, हम झेल लेंगे। तो 120 से 105 तक वो काम कर जाएगा, तो अंतर 15/120 × 100, बताओ तेजी से चिल्लाओ कि समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तेजी से बताओ, समझ में आना चाहिए। आज का ये है, अभी हम देखेंगे, ये तो हमारी दो चीजें हुई कि एक बार चीजें यहां से बढ़ी हम दोबारा यहां ले आए, एक बार चीजें यहां से बढ़ी हम आधे रास्ते तक ही आए। एक ऐसा सीन है कि यहां से बढ़ा और फिर आगे बढ़ गया तो बोलेगा टोटल चेंज कितना है, या बोले कि यहां से कम हुआ और फिर कम हो गया तो फिर पूछेगा टोटल चेंज कितना है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बढ़े और फिर घटे, बात समझ में आ रही है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो भी पूछेगा टोटल चेंज क्या है, या ऐसे भी हो सकता है कि पहले घट रहा हो और फिर बढ़ रहा हो तो भी पूछ सकता है कि टोटल चेंज कितना है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं जो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिवाइज करने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो चीजें यहां से गई और यहीं से एकदम इनिशियल पॉइंट पे लौट आई, एक यहां से गई लौटी तो लेकिन आधे रास्ते में अटक गई, एक गई और फिर उसके आगे चली गई, या एक कम हुई और फिर कम हो गई, या इसे बोल सकते हैं एक बढ़ी और फिर बढ़ गई, एक हो सकता है एक बढ़ी और दूसरी घटी, या हो सकता है एक घटी और दूसरी भी घटी, बात समझ में आया, या दूसरी बड़ी। तो ऐसे चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाने की कोशिश की है, और हम इस चौथे टाइप में आए हैं जो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर लिए एग्जाम में, अगर आपके दिमाग में ये इमेज बैठ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यकीन मानो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आपसे लगे ना, और आप फिर क्या कहलाओगे, मैथ के जादूगर। बहुत लोग टैग लगा नहीं था मैथ विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के जादूगर, पता नहीं किंग ऑफ मैथमेटिक्स, अरे आप भी बन सकते हो भैया, उनको कोई मोहर नहीं सर पे लगा हुआ है, दिमाग की जरूरत है, बस कॉन्सेप्ट खुला होना चाहिए, प्रैक्टिस साउंड होनी चाहिए, इतना घिस डालो, स्याही इतना उतार दो अपने कॉपी में कि एकदम क्रांति ला दो, कसम से जब दिखे कोई रफ खोले तो लगे हाँ यार ये स्याही नहीं, ये आपका पसीना है, ये आपका खून पसीने की कमाई है जो रफ में आपने उतार दिया है, अपने कॉपी में उतार दिया है। और यकीन मानो अगर इतना कर लोगे तो वो निखार लाएगा आपके अंदर, और मैथ के बादशाह एक दिन कब कहलाओगे। तो मैथ के बादशाह बनना है कि नहीं बनना है, इस बात का हमें जवाब फटाक से दो, तब तक हम दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके, अच्छा वो प्रश्न तो मैंने बताया ही नहीं, प्रश्न आगे कैसे बढ़ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, अब समझिएगा, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूं, इसे इरेज करता हूं ताकि मैं आपको यहां पे समझा पाऊं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लगाएंगे कैसे। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए कुछ खास नहीं है। अभी देखिए मैं सारा केस लेता हूं, एक क्या है दोनों बढ़ रहा है, एक क्या है एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दूसरा क्या है तीनों घट रहा है, और चौथा क्या है कि एक घट रहा है फिर बढ़ रहा है। मतलब पहले बढ़े फिर बढ़े, पहले बढ़े फिर घटे,
घटे, फिर घटे, घटे और बढ़े, यही चार टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहला तरीका जो यूनिवर्सल है, जो यहां से लेकर और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर तक हर जगह लग जाता है, वो बताता हूं। आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब समझिएगा मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये भी प्लस है ये भी प्लस प्लस है, मतलब दोनों बढ़ रहा है। यहां पे मैं एक दूसरे तरीके समझा रहा हूं, मान लो कोई चीज 100 थी उस पर 20% बढ़ा तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 120, और 120 पे 10% फिर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120 का 10% कितना आएगा 12, और 12 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा 132। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 100 थी 100 से 120, 120 से 32, पहले 20% बढ़ा फिर 10% बढ़ा तो 132 हो गई। दोनों केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दोनों केस में बढ़ेगा तो ये एक जो यहाँ पे 20% बढ़ा ये हो गया 20%, और यहाँ पे जो 10% बढ़ा ये हो गया 10%, तो दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों अपना पॉजिटिव साइन लेगा, तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, और इसका भी प्लस, दोनों गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और जैसे ही इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, नहीं है तो देख लो, पहले 20% बढ़ा तो प्लस का 20, दोबारा 10%, अच्छा ये कम हुआ 10%, कम होगा तो जो चीज बढ़ेगी उसके लिए प्लस, जो चीज घटेगी उसके लिए माइनस, तो 10% की कमी हुई है तो यहां पे -10। अब आगे देखिएगा, प्लस लगा लूं, प्लस का 20 गुणे माइनस का 10 बटे 100 करोगे तो प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी ये 20 माइनस 10 माइनस का 200 बटे 100 यानी कि माइनस का 2, तो आ जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8% प्लस में आएगा, और प्लस अगर आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब टोटल 8% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर बढ़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर बढ़ेगा तो x भी प्लस लेगा, y भी प्लस लेगा, और ये प्लस x और प्लस y जब गुणा होगा तो भी प्लस रहेगा, यानी फॉर्मूला बन के आएगा x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई, समझ में आ जानी चाहिए आपको ये बात बहुत अच्छे से। अभी देखते हैं, अगर एक प्लस हुआ और दूसरा माइनस हुआ, जैसे ये केस बना, तो एक्स तो अपने साथ प्लस ही लेगा लेकिन वाई अपने साथ माइनस लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का एक्स और माइनस का वाई गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला ये बन जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस यूज कैसे करना है वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर दोनों माइनस माइनस रहता है तो माइनस का एक्स माइनस का वाई और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और जो तीसरा केस आपका बनता है उसे भी देख लेते हैं कि वो क्या बनेगा, पहले माइनस फिर प्लस, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ये बनेगा। तो ये चार तरीके के लगते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला को दिमाग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको उत्तर देना है। अगर पहला वाला प्रश्न समझ में आ गया है, मैं साथ साथ को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये उन बच्चों को खासकर मैं ध्यान दे रहा हूँ जो एकदम बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है जिनकी, तो यहाँ पे ये चीजें हमें देख के चलना है कि हम छोटी से छोटी बात भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो मैं क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कुल परिवर्तन क्या होगा। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, आप वैसे ही लगा सकते हो कैसे एक्स वाई से, अगर किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी है तो क्या आएगा माइनस का 25, फिर क्या बोले 30% की वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 30, और क्या हो जाएगा गुणे माइनस का 25 प्लस का 30 यानी माइनस का आएगा, तो यहां पे क्या जाएगा माइनस आएगा, और माइनस यहां पे लगा देंगे तो 25 गुणे 30 बटे 100 हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करें तो प्लस का 5 यहां पे बचेगा और ये हो जाएगा 25 75 750, माइनस का 7.5 यानी माइनस का 2.5, और जब माइनस आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा, देखिए 2% की वृद्धि 2% की कमी, 2.5% की वृद्धि 2.5% की कमी, बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में 2.5 जैसे ही उत्तर आ जाएगा, उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है, ऐसा लगता है उनका ट्रेन छूट रहा है, ऐसा लगता है किसी को टाइम देके आए हैं कि नहीं भैया अगर समय से नहीं मिलेंगे तो छोड़ देगा, तो एकदम क्या करते हैं गलती कर देते हैं, है ना,
आंसर आपका ये है, लेकिन रास्ते में सी मिल गया तो सी से पहले मुलाकात कर लेंगे, डी से मुलाकात ही नहीं करेंगे, कि जो पहले मिला उनके जीवन का सिद्धांत होता है पहले आओ पहले पाओ। तो क्वेश्चन आ गया पहले, जो ऑप्शन आ गया पहले उस पे टिक मार के चले आए, उन्हें तो लगा कि हमारा सही है। घर आए, मम्मी पूछी कैसा हुआ पेपर, बोले मम्मी बहुत बढ़िया पेपर हुआ, इस बार तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया पता ही नहीं लग रहा भाई साहब कहाँ गए, मोहल्ले में ढूंढना पड़ रहा है उनका, पता ही नहीं लग गया कहाँ भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि गलत करके आए थे ना प्रश्न। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा उत्तर, यह हो जाएगा अंतिम तक अपने दिमाग का टेम्परामेंट कूल करके समझना चाहिए कि हमारा कहां पे सही है कहां पे गलत है। जल्दबाजी में हमें गलत ही करना चाहिए। और अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो मैं आपको पक्का हिदायत दे रहा हूं कि ऐसा एक ऑप्शन सेट करेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको ऐसे टाइप के प्रश्न में आसान तो होते हैं लेकिन सावधानी बरतनी है। कई बार क्या होती है, जो चीजें बहुत आसान दिखती है उसमें कुछ ना कुछ पेच ऐसा होता है जो आपको फंसाता है। जैसे आप देखते हो चूहा को मारने के लिए कुछ बेट लगा देते हो, है ना, कुछ टुकड़ा रोटी का रख देते हो ताकि वो आए और वो फंस जाए। ऐसे एक जानवर करता है, आपको चूहा समझता है और आपके सामने कुछ दाना डाल देता है और आप उस दाना के चक्कर में भागते हो और फिर पकड़े जाते हो और मारे जाते हो। तो मारा नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम कॉन्सेप्चुअली करें तो समझिएगा, मान के चलते हैं कि कोई चीज 100 थी और उसमें 25% बढ़ गया तो वो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब अच्छा, लेकिन ये कमी हो रही है तो 100 से 125 नहीं जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई, समझ में आनी चाहिए। अब बोले कि इसमें 30% की वृद्धि कर रही है, तो 30% की वृद्धि कहां से, यहां से कि यहां से, नहीं यहां से। तो 30% की अगर वृद्धि हो जाएगी तो 75 का 30% कितना आएगा, 15 और 7, 22.5 और बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 22.5 और जोड़ देंगे, ये बढ़ के हो जाएगा आपका 5, 2, 7 और 7, 2, 97.5। तो कोई चीज 100 थी और हो कितनी गई, 97.5, यानी कितने का अंतर आया है, 2.5 का। तो 2.5 की कमी आई कि नहीं आई, यही कारण था कि यहां पे क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो ये हम कन्वेंशनल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत खास बात मैं जो बताने जा रहा हूं कि चीजें 100 से 75 हुई और 75 से 97.5, एक लाइन चल रहा है, शुरू से नहीं हो रहा है, यहां से यहां पढ़ रहा है, यहां से यहां पढ़ रहा है। हमने सीआई के चैप्टर में कॉन्सेप्ट में आपको फिर से चीज बताया है, एक लीनियर वे में चल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें सक्सेसिव बढ़ोतरी हो रही है। क्या? सक्सेसिव चीजें बढ़ रही है, मतलब बढ़ी फिर बढ़ी, घटी फिर घटी, बढ़ी उसी पे घटी और घटी उसी पे बढ़ी। बात समझ में आ रहा है? जहां एक जगह से चला बीच में, बीच से फिर आगे बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, सक्सेसिव बोलेंगे। और जहां पे भी ऐसा सीन बन रहा होगा वहां पे हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा सारा का सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या है, लगा दे फॉर्मूला, लगा देते हैं, वृद्धि है तो प्लस का 20, उसके बाद कमी है तो माइनस का 20, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस का 20 × 20/100। अभी देखिए ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 तो कट जाएगा, तो बचा क्या, माइनस का 20 × -20/100, यानी कि माइनस का 4% की कमी आएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा 4% वृद्धि ना मारा ना, कमी होगा। एक खास बात इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कि जब दोनों चीजें सेम रहेंगी तो हमेशा कट जाएंगी। अरे 20 है 20 कट जाएगा, 30 है 30 कट जाएगा, 15 है 15 कट जाएगा, 10 है 10 कट जाएगा। या ऐसे बोलो, अगर कोई चीज x परसेंट से बढ़ती है और x परसेंट से ही कमी हो जाती है तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो यही आएगा, यानी कि माइनस का x × x/100, या बोल सकते हैं x²/100 की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि कोई चीज उतने ही परसेंट से बढ़े जितने परसेंट से कम हो, तो हमेशा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x²/100 की कमी होगी। इसका ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव के केस में ही ऐसा पॉसिबल होता है। ये रिजल्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अगर कॉन्सेप्ट वाला क्लास पढ़े होंगे तो एक जगह और आता है x²/100, लेकिन सिचुएशन सक्सेसिव का नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत कराते हैं। कब? याद दिलाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाओ,
जब दो चीजों का विक्रय मूल्य समान होता है और एक चीज को उतने ही परसेंट पे बेचा जाता है उतने ही परसेंट के प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट के लॉस पे बेचा जाता है, तो अल्टीमेटली जो उसका होता है प्रॉफिट या लॉस वो एक्स स्क्वायर बाई 100 का लॉस होता है। और ये सेम रिजल्ट आता है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है। यहां का कॉन्सेप्ट सक्सेसिव है, एक्स और वाई है, वहां का कॉन्सेप्ट अलग होगा, वहां मैं बताऊंगा। इतनी ज्यादा बेचैनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा करिए आप लोग। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसका तो उत्तर आप सभी लोग दे दोगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे इतने तो सभी लोग बैठे हो कि सभी लोग बुद्धिमान हो, बुद्धिमान तो है ही हो, मैं क्यों किसी को बेवकूफ बोलूं। तो क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन रखा है तो आप समझ गए कि एक्स और वाई पे ही लगेगा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपका दिमाग चलेगा क्या? जो फ्रेशर बच्चे होंगे, जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, दिमाग में चलेगा कि ये एक्स वाई वाला है क्या? नहीं दिमाग में चलेगा, तो फिर आप कैसे समझोगे? तो मैंने तो अभी आपको समझाया कि आपको क्या पहचानना है, सक्सेसिव का केस पहचानना है। और सक्सेसिव की खासियत क्या है? कोई चीज आगे बढ़ती है और यहीं से फिर बढ़ जाती है। तो समझिएगा, अगर आयत है तो आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए, इसमें भी बढ़ोतरी हुई, लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में बढ़ोतरी हुई। तो अल्टीमेटली अगर इसी इसमें बढ़ा देंगे, सपोज करिए अगर ये पहले 10 था और ये भी 10 था और एरिया टोटल कितना था? 100। मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में समझिएगा, अगर इसे 100 से कितना कर दिया गया? 12। मैं बोलूँ कि इसे कितना बढ़ा गया? 20% बढ़ा दिया गया, और फिर इसे भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो एक स्टेप तो होगा इसे बढ़ाया जाएगा, तो ये 12 × 10 कितना हो जाएगा? 120। और 100 से कोई चीज 120 हुई है तो देखो 20% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अभी देखिएगा, फिर मैं बोलूं कि इसमें मैं 30% बढ़ा दूं, तो इसमें 30% बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 13। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 12 × 13, और 12 × 13 करेंगे तो अब यहां पर हमारा एक दूसरा रिजल्ट आएगा। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो कहां से आएगा? यहां से आएगा। तो अल्टीमेटली हम इसमें भी 30% बढ़ा देंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो ये भी हमारा एक फ्लो चल रहा है, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, तो ये भी हमारा केस क्या हो जाएगा? सक्सेसिव का हो जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते इसलिए चल रहा हूं ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एग्जाम में नया टाइप का क्वेश्चन है तो आप आराम से कर लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैथ बेटा रट्टे से नहीं आएगी, मैथ हमेशा समझने से आएगी। चलो, तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा फटाक से? एक्स वाई भी लगा लो, लंबाई भी 10% बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई भी, तो बस दोनों में प्लस प्लस जोड़ दो, 10 + 20 + 10 × 20/100, और ये हो जाएगा 30 + 2, यानी कि 32% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तेजी से बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए मजा, जितना पसीना उसको बह रहा है ना, सबका हिसाब लूंगा, बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन होना चाहिए वरना भगा दूंगा यहाँ से। सेलेक्ट आए हो तो सिलेक्शन लेके जाना, जिद बना लेना अपनी, कोई जब तक कोई चीज जिद नहीं बनाओगे तब तक होगा नहीं। तो यदि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, यदि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो बगीचे के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कोई बात नहीं भैया, पहले भी 20 बढ़ाया जा रहा है, फिर 20 बढ़ाया जा रहा है, प्लस 20 × 20/100 क्या हो जाएगा? 44% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, अभी तक प्रश्न में देख रहे थे एक होता था, अभी यहाँ पे लंबाई भी दिया है चौड़ाई भी दिया है, दोनों अलग अलग दिया है। अभी यहाँ पे एक ही दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन वर्ग का हो, अभी अगला क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा आपको। जैसे ये वर्ग है, ये बोला कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग तो होते नहीं, दोनों लंबाई बोल लो दोनों चौड़ाई बोल लो तो दोनों साइड ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, ये दो सारी भुजाओं को बढ़ाएगा ना, तो एरिया बराबर क्या होता है? ए इंटू ए, और दो चीज का गुणा हो रहा है मतलब सक्सेसिव हो जाएगा, तो इसमें भी बढ़ेगा इसमें भी बढ़ेगा तो एक्स वाई लग जाएगा, यानी इसका भी उत्तर हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि सीधा अगर आप सॉल्व करोगे 10 + 10 = 20, और यहाँ पे 1% यानी कि 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। बात समझ में आया? तो जो भी आपके टू डायमेंशनल फिगर हैं, टू डायमेंशनल फिगर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में क्या क्या होते हैं, वृत्त होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू आर, देखो दो चीज का गुणा है कि नहीं है? दो चीज का गुणा है। अगर आपका वर्ग होगा तो आपका इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, दो चीज का
गुणा है। अगर आयत होगा तो आयत में भी फॉर्मूला होगा एल इंटू बी, क्या है, दो चीज का गुणा है। अगर आपका त्रिभुज होगा, त्रिभुज में भी फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी दो चीजों का गुणा है, इसमें भी सक्सेसिव लग जाएगा। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला 1/2 दोनों बेस 1 प्लस बेस 2 इनटू हाइट, तो ये भी एक हो गया, ये भी हो गया, क्या हो गया, दो चीज का गुणा है, तो इसमें भी लग जाएगा। मतलब ऐसे सारे दो डायमेंशनल फिगर जिसका क्षेत्रफल दो बार गुणा करने से किसी राशि को आता है उन सब में एक्स वाई लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या, जो 3D फिगर हो, जैसे अगर गोला है तो इसका आयतन जो होगा वो होगा 4/3 πr³। अभी R तीन बार गुणा हो रहा है, मैंने बोला कि दो बार गुणा होगा तब तक आप XY लगा सकते हो, तीन बार गुणा होगा तो आप ये करोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो बार XY लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब अभी समझिएगा, मैं ये बोलूं कि कोई राशि पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, फिर 30% बढ़ाई गई, तो टोटल चेंज कितना आएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों में XY लगाओगे और इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा, जैसे 10 + 20 + 10 × 20/100, यानी कि 20 और 2 32% आपका रिजल्ट आया, मैं इसे जेड बोल दूं, तो आपका ये जो रिजल्ट आया इसे और फिर इसमें एक्स वाई लगा दोगे, कहने का मतलब आप 32 + 30 + 32 × 30/100 कर दोगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब जब आयतन की बात आएगी तब आपको दो बार एक्स वाई लगाना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बताओ, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन अच्छा है, सीख लोगे तो काम आएगा, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। देखते हैं आपका क्या है, चॉकलेट क्वेश्चन है और चॉकलेट क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को देना है। तो चॉकलेट क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी को देना है, प्रश्न बहुत अच्छा है। इससे पहले वाला जो चॉकलेट क्वेश्चन था अगर आप वो सॉल्व कर लिए होगे तो ये बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। पिछला वाला जो चॉकलेट क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया था, हालांकि सॉल्यूशन तो मुझे नहीं बताया लेकिन आंसर बताया। उम्मीद है कि आपका ऑप्शन तुक्का नहीं रहा होगा, सही आप लगाए होगे, सही तरीके से लगाए होगे, मैं अभी करवा भी दूंगा ताकि आपको सही उसका सॉल्यूशन पता चल जाए। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन आज की क्लास के बाद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने आज की क्लास बताई है उस पे वो वाला प्रश्न जो पिछला था वो भी बहुत आराम से हो जाएगा। देखते हैं क्या है पिछला एक्स चॉकलेट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिलेंडर के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके आयतन में कुल 8% की वृद्धि हो। मैंने अभी पहला क्वेश्चन करवाया था ना कि केवल 8% की वृद्धि चाहता है, वैसा ही है, लेकिन क्योंकि इसमें 3D फिगर इंक्लूडेड है तो एक्स वाई लगेगा लेकिन दो बार। हालांकि यहाँ पे एक्स वाई की जरूरत नहीं, हमें वापिस आना है, हमें जाना है और फिर आधे रास्ते तक वापिस आना है, लेकिन ये जाने वाला सीन थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा क्या है, बोले सिलेंडर के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी समझिएगा, हम ये जाने और आने वाला केस तब तब लगा पाते हैं जब दो चीजों का गुणा होता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। हम ये कब लगा पाते हैं, जाने और आने वाला सीन, कोई चीज बढ़ी और फिर उसे घटाते कब है, जब दोनों चीज का गुणा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या नहीं भी कांस्टेंट होता है तो उस हिसाब से आधे रास्ते में आएगा, लेकिन दो चीजों का गुणा होना जरूरी है। तो ये बताओ कि आयतन में कौन सी दो चीज गुणा हो रहा है, आयतन में भी दो चीज गुणा हो रहा है। किसी भी फिगर के उस क्षेत्रफल से उसके अगर हाइट को गुणा कर दिया जाए तो उसका क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। ये मैं आपको 3D के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप बस इतना समझो क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, आयतन। तो यहां पे इसने क्या बोला, व्यास की बढ़ोतरी कर रहा है, ये तो ये नहीं बोल रहा है कि क्षेत्रफल की बढ़ोतरी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने किया 100 से कितना जाएगा 120 और फिर वो 120 से कहां ले आएंगे 108, अंतर कितने का है 12 का बटे 120 गुणे 100, ध्यान आ रहा होगा आज ही ऐसा क्वेश्चन किए हैं, कितना आ जाएगा 10%, और मैक्सिमम बच्चों ने उत्तर क्या दिया 10%। और मैंने बताया नहीं, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, आपको राशन पानी डालेगा, आप उसके लालच में जाओगे और फंस जाओगे और अपनी जान गंवा दोगे, और बहुत सारे बच्चों ने जान गंवा दिया, पूछो आज सांस नहीं ले पा रहे, इतना गलत क्वेश्चन बता दिया, मतलब इतना गलत क्वेश्चन बता दिया। खैर गलती कहां हुई ये ज्यादा जरूरी है, जरूरी ये है कि हमें समझ में आना चाहिए हम गलत कहां हुए। एक तो होता है हम गलत हैं, एक होता है हम कहां गलत हैं, तो दूसरी वाली बात ज्यादा जरूरी है, हम कहां गलत हैं। गलत यहां पे है कि इसने बोला व्यास को बढ़ाया, ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर का एक डायमीटर होता है, व्यास होता है,
ये पूरा व्यास ये इसको बढ़ा रहा है, उसने ये थोड़ी बोला कि क्षेत्रफल को बढ़ा रहा है। और आयतन तो आपको तब मिलेगा जब एरिया और उसके ऊंचाई को गुणा करोगे, लेकिन एरिया का गुणा थोड़ी है, वो तो व्यास को बढ़ा रहा है। तो अगर व्यास बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है, रेडियस का दूना होता है। तो अगर व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी उस रेशियो में कि नहीं बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर रेशियो या रेडियस बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अभी अभी हमने 2D वाले फिगर में देखा, एक आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई जा रही है। ऐसे अगर वृत्त होता उसका रेडियस बढ़ता, तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया उसका बढ़ेगा किसमें, एक्स वाई के हिसाब से। तो हम एक्स वाई लगाते तो इसमें जो एरिया की बढ़ोतरी होगी वो 20 + 20 + 20 × 20/100 ये हो जाएगा 44% आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब आप ये लगा पाओगे, जो आप ये 100 से 120 ले गए थे वो आप क्या करोगे, पहले क्षेत्रफल 100 था तो क्षेत्रफल 44% बढ़ गया। क्यों क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, 44% क्योंकि रेडियस 20% बढ़ गई। तो 100 से 144 हुआ, और हमें इसको 144 से कहां लेके आना है, 108 पे लाना है। तो टोटल अंतर है 36 का बटे 144 गुणे 100, इसे कट करेंगे तो जाएगा 4 बार और ये कट करेगा 25, यानी कि उत्तर क्या आएगा, 25%। और जिन बच्चों ने 25% इसका उत्तर दिया था वो सारे सही थे। तो बताओ मजेदार प्रश्न था कि नहीं था, जान था इस प्रश्न में, पूरा कॉन्सेप्ट लगा था। कॉन्सेप्ट कौन कौन सा, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट, कोई चीज बढ़ रही है तो हमें बीच में लेके आना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव है तो हमें एक्स वाई लगाना है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव तभी लग सकता है जब n1 n2 n2 होगा। और इन तीनों का मिक्सचर ये क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आते हैं, जो आपके UP SSC लोअर मेंस जैसे एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं, या CGL वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसके मेंस में हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं। और ये एकदम न्यूली क्वेश्चन है, आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस एग्जाम में, तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको रैंक बनाना है, अगर आपको टॉप मारना है, तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। टॉप नहीं मारना है, सिलेक्शन ही लेना है, तो इजी वाला ले लो, मॉडरेट वाला ले लो, तब भी काम बन जाएगा। तो ये था आज का हमारा, आज का चॉकलेट क्वेश्चन ये है, कल का हमने बता दिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा, मजा आया होगा। और मजा आया भैया, पसंद आया तो किस बात का संकोच कर रहे हो, झिझक किस बात की है, एक अंगूठा दे दो, सेशन को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट दे दो यहाँ पे भी, और जाते जाते जो मेन वाला कमेंट होता है वहां पे भी कमेंट कर दो। और ऐसा कमेंट करो ताकि आपका जूनियर आए तो उसका दिल खुल जाए, समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे पढ़ना बहुत मजा आएगा। और अगर आप देखिए परीक्षा प्लस के आप सभी परिवार हो, परीक्षा प्लस आगे तभी जाएगा जब आप लोग सहयोग दोगे। आपका सहयोग क्या है, आप में प्रेरणा देते रहो, है ना। क्या प्रेरणा दोगे, लाइक करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, तभी तो हमें मजा आएगा, तभी तो एनर्जी, तभी तो हम ज्यादा पसीना बहाएंगे। माना हमें भी तो AC पसंद है, जाके बैठे रहो आपकी तरह, क्यों कामचोर कौन नहीं होता, मैं भी कामचोर हूं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कामचोरी से काम नहीं चलेगा। आपको सिलेक्शन लेना है और मुझे सिलेक्शन दिलवाना है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारा सहयोग करोगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और हाँ, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो भैया प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के लिए ये सेशन दिया जाता है, प्रैक्टिस सेशन का अलग से बुकलेट दिया जाता है, ढेर सारे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, 499 रुपए में पूरे 3 महीने तक, केवल मैथ के नहीं, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, हिंदी के भी, ग्रामीण विकास एंड परिवेश का भी, उसके साथ ही GS प्लस के कोर्स, जैसे इस समय पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, उसके प्लस स्टैटिक की क्लास चलती है, प्लस आपका फास्ट ट्रैक की क्लास चलती है, प्लस अलग से नोट्स होते हैं। और एक बहुत जरूरी आपको बात ये भी बता दूं कि हर संडे संडे हम लोग सब्जेक्टिव या फुल लेंथ डिफरेंट एग्जाम के, जैसे लोअर मेंस का हुआ या पेट का एग्जाम, PET का लगा हुआ है, उसका फ्री में मॉक आपको कराते रहेंगे, ताकि आप एंगेज रहो और आपको मजा आता रहे। चलिए, ये हम तभी कर पाएंगे जब आपसे, आपकी तरफ से लाइक शेयर कमेंट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जो ना किए हो कर लो, और बेल आइकन जरूर पुश कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, तब तक के लिए धन्यवाद।